हेलो, मैं हूँ चंदन कुमार। और इस वीडियो में बताएंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2.2। और ये जो हिसाब है वो गुणनखंड से रिलेटेड है, तो गुणनखंड कर कैसे इसको सॉल्व करेंगे वही इस वीडियो में बताएंगे। इसमें चार हिसाब है, चारों को बजे से सिर्फ सोलना, बहुत ही इजी हिसाब है, ये क्लास 9 का हिसाब है। ये 9th का मैथमेटिक्स केसीसी 9 का बुक का ये क्वेश्चन कह रहा है पहला कि एक्स स्क्वायर बटा चार वाई स्क्वायर बटा चार का गुणनखंड निकालें। क्या करेंगे, एक्स बटा इसको दो कर लेंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे, माइनस वाई बटा दो कर लेंगे इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है ए प्लस बी और एक होता है ए माइनस बी। तो इसको इसको एक बार जोड़ लेंगे और फिर इसको इसको एक बार घटा लेंगे, तो एक्स बटा दो प्लस वाई बटा दो एक आंसर हो जाएगा, एक हो जाएगा एक्स बटा दो माइनस वाई बटा दो। अगला है 25 एक्स माइनस वाई का स्क्वायर चार एक्स प्लस चार का स्क्वायर, तो 25 है तो इसको 5 लिख देंगे एक्स माइनस वाई का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 4 है तो 2 कर लेंगे एक्स प्लस चार का स्क्वायर कर लेंगे। अब ये माइनस है एक बार ये और एक बार ये, तो इसको ए और इसको भी बीच में माइनस स्क्वायर है, तो क्या करेंगे इसको और इसको एक बार जोड़ेंगे, इसको और इसको एक बार घटाएंगे, 5 एक्स माइनस वाई प्लस 2 और इसको उसके बाद क्या कर देंगे ये जोड़ेंगे, तो ये 2 एक्स प्लस 4 फिर हो जाएगा 5 एक्स माइनस वाई माइनस 2 एक्स प्लस 4, ये गुना कर लेंगे तो 5 एक्स 5 वाई माइनस हो जाएगा, फिर 2 एक्स 4 दुना 8। अब क्या करेंगे 5 और 2 7 एक्स 5 वाई और प्लस 8, उसके बाद इसका क्या 5 एक्स 5 वाई 2 एक्स 4 दुना 8, 5 और ये 2 है, 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 एक्स 5 वाई और ये माइनस 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट, 4 ए स्क्वायर माइनस 2 बी माइनस सी का स्क्वायर, तो 4 का 2 ए स्क्वायर कर लेंगे माइनस 2 बी माइनस सी का स्क्वायर। अब 2 ए प्लस 2 बी माइनस सी कर देंगे एक ब्रैकेट में और एक हो जाएगा 2 ए, अब 3 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा तो माइनस 2 बी और माइनस माइनस प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 16 टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर माइनस 25 जेड स्क्वायर, तो 16 का 4 हो जाएगा 2 एक्स माइनस वन का स्क्वायर 25 है तो 5 जेड का स्क्वायर। अब एक बार जोड़ेंगे फिर एक बार, 4 ए 2 एक्स माइनस वन प्लस 5 जेड, फिर 4 2 एक्स माइनस वन माइनस 5 जेड, 4 दूना 8 फिर 4 एकम 4 5 जेड, ये एक आंसर। फिर दूसरा है 4 दूना 8 4 एकम 4 माइनस 5, ये यहाँ से इस तरह से आंसर हो गया इसका। फिर ये इस वीडियो में मात्र इतना ही सब बताते हैं गुणनखंड से रिलेटेड, फिर अगले वीडियो में इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।